नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से आयुष ने जो कि मलिष्का को उसकी औकात याद दिला दी, लेकिन इधर ऋषि एक बार फिर से लक्ष्मी से जो कि अपने प्यार का इजहार करता हुआ फाइनली नज़र आने वाला है, जिसको कि खुद मलिष्का भी देख पाएगी कि किस तरीका से एक बार फिर ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे की बाहों में होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय वाकई में सबसे अच्छा स्टैंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऋषि भी खुश है और लक्ष्मी भी खुश हैं, साथ में बाबूजी भी खुश हैं और आयुष सबसे अधिक खुश है, क्योंकि इस समय घर में सब कुछ अच्छे से होने लगा है। क्योंकि इस समय मलिष्का को सीधी सीधी वार्निंग दे दी है, क्योंकि मलिष्का को वार्निंग देने के बाद में बोल दिया है आयुष ने कि अगर किसी भी तरीका की लक्ष्मी भाभी को किसी से भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसका वो हाल करने वाला हूँ कि जो उसने ना ही सपने में सोचा होगा और ना ही कभी सोच पाएगा। क्योंकि दोस्तों इस समय आयुष बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आयुष का मानना यह है कि जो लक्ष्मी के साथ में घटित हो रहा है उसमें किसी और का नहीं बल्कि मलिष्का और मलिष्का की मॉम यानी कि किरण का हाथ है। दोस्तों ये बात हकीकत भी है, क्योंकि इन दोनों का ही हाथ है। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी काफ़ी घटनाएं घटी हैं लक्ष्मी के साथ में, और लक्ष्मी के साथ में जो घटनाएं घटी हैं उनमें शुरू से ही इन लोगों का हाथ भी रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार टॉर्चर भी किया गया है लक्ष्मी को काफ़ी बार, क्योंकि टॉर्चर करने के मामले में ये लोग कभी चूकते नहीं हैं, जो कि लक्ष्मी को हमेशा से ही टॉर्चर भी किया है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय लक्ष्मी के साथ में पूरा परिवार नज़र आ रहा है, और परिवार भी इस तरीका से नज़र आ रहा है कि सभी ने ये बोल दिया है, आयुष ने तो खास करके बोल दिया कि लक्ष्मी भाभी को अगर किसी भी तरीका की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हर तरीका से समझौता तोड़ दूंगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि समझौता तोड़ने में आयुष वाकई में इस समय कितना गर्म है, और उसका मिजाज भी वाकई में खूब गर्म है। उसने यहाँ तक कि मलिष्का को सीधी सीधी वार्निंग दे दी है। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए।